Hello, a very good morning students. As you know, I teach to you maths and today I will present to you solution number 7, 8, 9 of exercise 1.2 from your Inside Mathematics books. That is the series editor of Ashish Shanigrahi. ठीक है, तो बच्चों आज हम सीखेंगे, टुडे वी विल लर्न दैट हाउ टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, फर्स्टली आई वांट टू गिव यू अ मोरल एंड माय मोरल इज लाइफ इज सिमिलर अ बॉक्सिंग रिंग. लाइफ इज सिमिलर अ बॉक्सिंग रिंग, डिफीट इज नॉट डिक्लेयर्ड. डिफीट इज नॉट डिक्लेयर्ड. When you fall down, it is declared when you refuse to rise up. Start. Life is very similar. ठीक है बच्चों, life is very similar to boxing ring. समझ आ रहा है? Defeat is not. कभी boxing खेलते हुए देखा है? क्या करते हैं बच्चे उसमें? Players जो होते हैं वो एक बार, पहली बार जब उनका फर्स्ट राउंड जो होता है तो उसमें दोनों प्लेयर्स में से एक प्लेयर नीचे गिर जाता है, गिरता है. लेकिन क्या वहीं पर उसकी हार और जीत कंफर्म हो जाती है, या क्या यहीं पर उसका विन और लॉस कंफर्म हो जाता है? नहीं, फिर से उनको उठना होता है, राइज अप करना होता है, फिर से आगे बढ़ना होता है. करते भी हैं. तो ऐसे ही हमारी क्या है बेटा, लाइफ है. इट इज़ सिमिलर टू बॉक्सिंग रिंग. ठीक है, बिल्कुल बॉक्सिंग रिंग के सिमिलर है. डिफीट इज नॉट डिक्लेयर्ड व्हेन यू फॉल डाउन. जब आप गिर जाओगे तो आपका फॉल डाउन नहीं, तब नहीं डिक्लेयर्ड होगा. इट इज़ डिक्लेयर्ड व्हेन, ये तब डिक्लेयर्ड होगा व्हेन यू रिफ्यूज टू राइज अप. जब आप किसी काम को करने से मना कर देंगे, जब आप राइज अप करने से मना कर देंगे, उठने से मना कर देंगे. ठीक है, गिरना बहुत बड़ी बात नहीं है, गिरकर उठने से मना कर देना ये बड़ी बात है. अब आप सपोज करो आप पार्टिसिपेंट है रेस के. ठीक है, रेस के पार्टिसिपेंट है आप. रेस कंप्लीट करने से पहले कहीं पर गिर गए हैं बच्चों. जब आप गिर जाओगे तो क्या होगा? गिरने के बाद आप उठकर फिर से दौड़ने की कोशिश करोगे ना? नहीं करोगे तो क्या होगा? आप वहीं हार जाओगे. तो ना कोशिश करने वाले कभी क्या होते हैं? सक्सेस नहीं होते हैं. इसीलिए कहा जाता है बेटा कि बिना कोशिश के कभी सफलता नहीं मिलती, बिना कोशिश के कभी सफलता नहीं मिलती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ठीक है, तो अपना बेटा कोशिश करते रहो. मैं आज आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन करती हूँ, सॉल्यूशन नंबर 7. ठीक है, सॉल्यूशन 7 इसमें क्या है बेटा? रिप्रेजेंटेशन. क्या है? रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन. कहाँ पर? नंबर लाइन. ठीक है, सपोज करो बच्चों आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? -5/7. ठीक है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? -5/7. ठीक, इसको आपको कहाँ रिप्रेजेंट करना है बेटा? नंबर लाइन पर. ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप इस सिंबल को देखो. क्या है ये? नेगेटिव. नेगेटिव सिंबल बताता है क्या है बेटा? कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जीरो, और आप बीच में कौन आएगा बेटा? जीरो. जब जीरो से राइट जाते हैं तो सारे नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव. 1, 2, 3. जीरो से लेफ्ट आओगे तो सारे नंबर क्या होंगे? नेगेटिव. -1, -2, -3 होता है ना? ठीक, जब बेटा हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि हम नंबर लाइन के किस साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे या लेफ्ट साइड जाएंगे. और ये बात हमें पता कैसे चलेगी कि राइट जाना है या लेफ्ट जाना है? ये बात पता करने के लिए हमारे पास ये कौन है? सिंबल. कौन है ये सिंबल? ये सिंबल जो नेगेटिव सिंबल है यही हमें बता रहा है
ये हमें शो कर रहा है वी विल गो टू द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन, ठीक है। यानी कि अभी बेटा किधर जाना हो, नंबर लाइन के किस तरह जाना है, लेफ्ट साइड जाना है, ठीक है। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं बेटा, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले 50 और 7 7 49, ठीक है। और इसके बाद और ये वैल्यू बढ़ेगी। मैं आपको डिवाइड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप जान सको कि ये जो 0.7 आया, अभी तक ये 1 भी नहीं कंप्लीट है, -0.7 है, क्योंकि इसे हम नेगेटिव लगाओ तो -0.7, इसका मतलब बेटा ये 1 भी नहीं कंप्लीट है। मतलब हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस 0 और इस 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में। पहली बात तो हमें ये कन्फर्म करना है कि हम किस साइड जा रहे हैं, राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट, ठीक है। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, क्योंकि आपको सिंबल कौन सा मिला है, नेगेटिव का मिला है, ठीक है। तो अब आपको बेटा क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, आप देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको कंफर्म हो गया ना कि आप कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है, ठीक। तो ये आपका हो गया 0, ठीक, और ये आपका क्या हो गया, -1। बेटा यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर्स में, डिनोमिनेटर्स में कितने हैं, क्या राइट है, 7, क्या राइट है, 7, ठीक है। तो आप इसमें छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया बच्चों, 7। समझ में आया सबको, क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप ये कंफर्म करो कि आपको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। आपने देख लिया आपको किधर जाना है, कहाँ जाना है बच्चों, सबसे पहले आपने ये कंफर्म किया कि आपको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। तो आपने देखा आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और ये पॉइंट -7 है, ठीक है। ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7, ठीक है। इसमें आपको रिप्रेजेंट कौन सा करना है, -5/7, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये पूरे 7 तक हो गया, पूरी 7 लाइन्स में हो गई, 1 2 3 4 5 6। और फिर से देखो बेटा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5, ये ज़्यादा हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर से देखो, 1 2 3 4 5 5 और 6 और 7, 5 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, फिर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये कौन सा नंबर है, 5 वाला, ठीक है। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, कितनी लाइन्स है बेटा, 7, और हम रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, इसको। तो आपको पता है एक फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन में बेटा हमेशा ये जो नीचे होता है न्यूमरेटर, यानी कि हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर होता है ये हमेशा क्या बताता है, किसी भी होल का टोटल पार्ट बताता है, ठीक है, क्या बताता है, टोटल पार्ट, ठीक। जैसे आप देखो, ये आपके पास क्या है, एक मार्कर है, अब इसको हम लोग क्या कर दें, बीच से कट कर दें, बीच से क्या कर दें, कट कर दें, तो आपको इसके कितने पार्ट दिखेंगे, 2 1 और 2, ठीक है। तो टोटल इसके कितने पार्ट हैं, 2, टोटल पार्ट कितने हैं, 2, और उसमें से किसी एक को यूज़ किया जा रहा है या नहीं यूज़ किया जा रहा है वो आप पे डिपेंड है, आप उसका क्या करते हो। तो आपने क्या लिख दिया, 1/2, क्या राइट किया, 1/2, ठीक है। टोटल पार्ट कितने हो गए, 2, तो मतलब ये जो नीचे का टोटल होता है ये हमेशा हमारा डिनोमिनेटर जो होता है ये हमेशा क्या होता है, टोटल होता है, क्या होता है, टोटल, ठीक। तो यहाँ पे देखो, टोटल लाइन्स कितनी है, 7, उसमें से आप कौन सी वाली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 नंबर वाली को। तो आपने ये एरो बना के इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, बस ये एरो बना के आपको ऐसे राइट कर देना है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे आपको देखो, आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 3.7, ठीक है।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 3.7। ठीक, आप देखो ये 3.7 आपने देख लिया। सबसे पहले हमें ये बताओ आप कि ये बताओ सबसे पहले कि 3.7 में, 3.7 से आपको देखकर पता क्या चला, आपको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, राइट या लेफ्ट, क्या पता चला कि हम किधर जाएंगे? राइट। क्यों राइट क्यों जाएंगे? क्योंकि सिंबल कौन सा है? पॉजिटिव है। कौन सा है? पॉजिटिव। ठीक, तो आप किधर जाएंगे बेटा? राइट जाएंगे। ठीक, अब देखिए राइट जाएंगे ना, तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया? नंबर लाइन। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, उसके बाद यहाँ पे कहीं पे हमारा क्या आएगा? 4। अब देखो बच्चों, हमने देखा है यहाँ पे है क्या, 3.7, यानी कि 3 तक तो हमारा कंप्लीट है, 3 तक हमारा जो डिजिट है वो पूरा कंप्लीट है। 3 के बाद किस में है? पॉइंट में है। 3 के बाद किस में है? पॉइंट में। ठीक, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे? कितना पॉइंट? 3.1, यानी कि इस पॉइंट, इस 3 के और इस 4 के बीच में, ये देखो ये लाइन क्या है? बड़ी है। ये लाइन क्या है? बड़ी है। इसके बीच में छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे। 1, इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? 3.1 हुआ ना। आपने स्केल देखा होगा, स्केल जब आप देखते हैं तो हमारी स्केल पे पहले क्या होती है? सबसे पहले क्या राइट होता है? 1। फिर यहाँ पे क्या राइट होता है? 2। तो इसके बीच में छोटी छोटी लाइन्स भी तो होती हैं, तो ये हमें क्या बताता है? ये छोटी लाइन्स क्या बताती है? 1.1। फिर अगली बारी 1.2। फिर यहाँ तक जब आप पहुँचते तो 1.5। तो ऐसे यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 3.1, फिर 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, मिल गया ना। बस इतने में ही आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या आएगा? 3.8, फिर क्या आएगा? 3.9, और ये 3.9 के बाद, 3.9 में जब आप 0.1 प्लस करेंगे, हर बार ये 0.1 बढ़ रहा था ना, तो 3.9 में जब आप 3.1 प्लस 0.1 प्लस करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? 4.0। ठीक है, प्लस करना तो क्या बन जाएगा? 4.0, जिसको नंबर लाइन पे हम लोग क्या लिखते हैं? 4। ठीक, तो कहाँ रिप्रेजेंट किया आपने? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ये है आपका 3.7। मिल गया ना आपको 3.7। तो आप इसको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से ड्रॉ करना। ये आपका हो गया 3.7। ठीक, इसको कलर कर लेना। ठीक है, तो आप बेटा रिप्रेजेंटेशन सीख गए हैं ना, कि कोई और बता दे, हमें लगता है अब आप कर लेंगे। बच्चों सबसे पहले क्या देखना कि करना क्या है, मतलब जाना किधर है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, वो तो साइन देखकर पहचान लोगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो बच्चों क्या करेंगे? पॉजिटिव होगा तो राइट जाएंगे, और नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे? नेगेटिव होगा तो लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे सपोज कर लो हमें 1 को ही रिप्रेजेंट करना होता। ठीक है, 1 को रिप्रेजेंट करना होता तो हम इसको ऐसे शो कर देते। ठीक है, ठीक, आप जैसे बेटा एक आप समझ गए होंगे ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका बेटा है सॉल्यूशन नंबर 8। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 8 क्या है बच्चों? इट इज द टर्मिनेट। ठीक है, किसके बारे में है ये? टर्मिनेट डेसिमल के बारे में। ठीक है, तो बच्चों आपको सबसे पहले जानना बच्चों एक टर्मिनेट डेसिमल, व्हाट इज दिस टर्मिनेट डेसिमल? मतलब एक ऐसा डेसिमल जिसका कहीं ना कहीं क्या हो सके? एंड हो सके, जो कहीं ना कहीं किसी डिजिट्स के बाद क्या हो सके बेटा? कैंसिल हो सके। ठीक है, और ऐसे डेसिमल को ही हम लोग क्या कहते हैं? नॉन रिकरिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब ये नॉन रिकरिंग डेसिमल इसका मतलब क्या होता है? तो नॉन रिकरिंग बेटा, ये जो रिकरिंग वर्ड है, रिकरिंग मीन्स होता है रिपीटिशन। क्या होता है? रिपीटिशन। रिकरिंग मतलब क्या होता है बेटा? रिपीट होने वाला, जो बार बार क्या होता है? रिपीट। अब देखो जैसे आपका इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे ये क्वेश्चन है 7/15।
तो बच्चों इसको ध्यान दो, कुछ बच्चे क्या करते हैं डिवाइड करते समय इसमें हमें डिवीजन और क्वाड्रेंट का ध्यान नहीं देते हैं, डिवीजन और डिवाइडेंड का ध्यान नहीं देते हैं। ये बच्चों आपका 15 जो है ये आपका क्या है डिवीजर है, 15 आपका क्या होगा यहाँ पे डिवीजर होगा, इस बात का ध्यान रखना बेटा ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ होगा और अपना राइट कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पॉइंट इंक्रीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट या 1 डिजिट है तो डेसिमल डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट जैसे ही हमने इंक्रीज किया यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0। 15 फोर 60, 0 में 0 लेस हुआ 0, 7 में 6 लेस हुआ 1, पॉइंट लगाया है इसलिए 10 इंक्रीज कर सकते हैं। 15 6 90, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 100 में 90 लेस होगा तो 10, फिर 0 आ गया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इंक्रीज कर सकते हैं 15 6 90, फिर यहाँ पे 10 आएगा, 10 और लेस करेंगे 15 6 90। अब आप बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है 0.4666 डैश डैश डैश, ये बार बार इंक्रीज आ रहा है, डैश डैश का मतलब ये बढ़ता ही रहेगा, ख़त्म नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे टर्मिनेट डेसिमल ठीक है। तो बच्चों आपने देखा क्या ये बार बार इंक्रीज हो रहा है, कटने कैंसिल नहीं हो रहा है ना, हमने क्या कहा वो क्या हो जाना चाहिए कैंसिल हो जाना चाहिए, क्या ये कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, अभी भी ये इंक्रीज हो रहा है और ये बढ़ता ही चला जाएगा ठीक है। तो ये आपका टर्मिनेट डेसिमल नहीं होगा, तो इसको कहेंगे क्या जो आपके लगातार बढ़ते चले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा नॉन टर्मिनेट, क्या कहलाते हैं नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट में क्या होता है जो कहीं किसी पॉइंट पे क्या हो जाए फिनिश हो जाए एंड हो जाए कैंसिल हो जाए, लेकिन जो ना एंड हो जो ना कैंसिल हो उसको क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेट ठीक है। तो नॉन टर्मिनेट को बेटा हम लोग अभी देखो ये टर्मिनेट था, तो टर्मिनेट को क्या क्या कहते हैं नॉन रिकरिंग, मतलब रिकरिंग मीन्स क्या बताया था रिपीटेशन, मतलब इन नंबरों का नॉन रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं होता है। लेकिन नॉन टर्मिनेट में, नॉन टर्मिनेट में देखो आपने क्या देखा 6 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं बेटा रिकरिंग, ध्यान रखना बच्चों नॉन टर्मिनेट नंबर को क्या कहेंगे रिकरिंग और टर्मिनेट को नॉन रिकरिंग ठीक है। ये हो गया, एक और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे है आपका 7/10, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे 7 को, पॉइंट लगाया क्या बढ़ गया 0, 10 7 70, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, आंसर क्या आया 0.7 और रिमाइंडर क्या आया 0, क्वाड्रेंट क्या आया 0.7। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है बेटा, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ऐसे ही फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं, ऐसे ही डेसिमल को क्या कहते हैं टर्मिनेट डेसिमल ठीक है। तो टर्मिनेट डेसिमल नॉन टर्मिनेट डेसिमल समझ में आया ठीक है। तो टर्मिनेट क्या होता है जिसका एंड हो जाए, और नॉन टर्मिनेट क्या होता है जिसका एंड ना हो। आपको रिप्रेजेंटेशन करना भी समझ में आया होगा, रिप्रेजेंट करके हमारे पास सेंड कर दीजिएगा आज ही, ताकि मैं आज ही वर्क चेक कर सकूं ठीक है। अब बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन में करना क्या है बच्चों आपको कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है पी अपॉन क्यू पी फॉर्म में ठीक है। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे क्या राइट है 0.32 ठीक है, इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, इसको कैसे लिखेंगे सबसे पहले क्या राइट करेंगे 32 ठीक, फिर इस डेसिमल की जगह पे हम क्या राइट करेंगे 1 और बाकी डिजिट्स की जगह पे क्या राइट करेंगे 0 ठीक है। कर लिया ना, अब देखो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 16/50, अभी और कैंसिल हो रहा है कर लो, अब क्या आएगा 8/25, क्या अभी भी कैंसिल हो सकता है, अब नहीं होगा ठीक है। तो आप लिखेंगे 0.32 आंसर डाल के आप लिखेंगे कि फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ पॉइंट 0.32 इज
अपॉन 25। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर? मुझे यही आंसर देखना है, ठीक है? आप सब यही आंसर सेंड करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये आंसर नहीं कंप्लीट करते हैं, तो सबको ये कंप्लीट करना है, ठीक है? ठीक, तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। ये था फर्स्ट नंबर। मैं आपको एक और बता देती हूँ, फोर्थ नंबर। जैसे है आपके पास 1.875, यही है। इक्वल टू करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 1875। पॉइंट की जगह हटाया हमने, क्या राइट किया, 1। यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 3। तो कितने जीरो आएंगे, 3। क्या ये कैंसिल होगा? क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे कैंसिल हो सके? ऑफकोर्स, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस क्या है बच्चों, 5, और इसकी यूनिट प्लेस क्या है, 0। तो जिस भी नंबर की यूनिट प्लेस 5 होती है और 0 होती है, वो नंबर किससे कैंसिल होते हैं, 5 से। इसको 5 से कैंसिल करो, 5 3 15, ठीक है। यहाँ पे कितना रिमेन हुआ, 18 में 15 लेस हो गया, कितना रिमेन हुआ, 3 ये और 7 ये, 3 7 37, 5 7 30 5 37 में 35 लेस हुआ, कितना बचा, 2 2 5 25 5 5 5 20 5, ठीक है। तो 5 2 10, देखो ये कैंसिल हो गया, 5 2 10, ये दोनों जीरो बचे ना, 5 0 0, 5 0 0, अभी भी ये 5 से कैंसिल होगा, 5 7 35, 5 5 25, 5 4 25, 0 0, क्या अभी भी कैंसिल होगा, ऑफकोर्स। फिर 5 से कैंसिल करो, 5 1 5, और 5 5 25, 5 8 40, ठीक है। क्या आ गया, 5 8 40। अब आपको समझ में आया, ठीक है? तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप आंसर भी कैसे लिखोगे, फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 1.875 इज 15/8। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है? तो ये हो गया, ठीक, इस तरीके से करेंगे। अब बच्चों आपका इसी क्वेश्चन में है एक बार वाला क्वेश्चन, ठीक है। बार क्या होता है, अभी मैंने एक वर्ड बोला था रिकरिंग, क्या बोला था, रिकरिंग वर्ड। ये रिकरिंग मतलब क्या होता है बेटा, रिपीटर। रिकरिंग मतलब क्या होता है, रिपीटर। जिस नंबर का बार बार क्या हो, रिपीट हो, तो उसको क्या कहेंगे, रिपीटर, ठीक है। रिकरिंग मीन्स क्या होता है, रिपीटर। जैसे आपके पास है 1/3, इसका मतलब हम 3 से किसको डिवाइड कर रहे हैं, 1 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। पॉइंट लगाया यहाँ पे, क्या आया, 0, 3 3 9, फिर आ गया 1, 3 3 9, इसके साथ 0 बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेसिमल, 3 3 9, फिर इसके साथ यहाँ पे डेसिमल होने की वजह से यहाँ फिर से 0 बढ़ जाएगा, 3 3 9। आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, तो बताओ पहली बार क्या ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट, यानी कि ये क्या है, डेसिमल ख़त्म नहीं हो रहा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेट। डेसिमल ख़त्म हो जाता तो टर्मिनेट, ठीक है। यानी कि जो नॉन टर्मिनेट होते हैं उनको क्या कहते हैं, रिकरिंग। अभी क्या हो गया, 1.333। अब आपने देखा बच्चों 0.333, अब आपने देखा 0.3333 ... अभी भी ये रिपीट हो रहा है, इसको हम एक वर्ड में राइट करेंगे, 0.3 बार, ठीक है। ये सारे थ्री को, ये बार बेटा, ये बार जो है, ये बार जो है सिंबल है, ये बता रहा है कि ये सारे नंबर बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, रिपीटर, ठीक है। क्या हो रहे हैं, सारे नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब हम इस तरीके के नंबर को क्या करेंगे, P/Q की फॉर्म में राइट करेंगे, ठीक है। यानी किसी इरेशनल नंबर को, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इट इज 3.7 बार, ठीक है। बार मीन्स क्या होता है बेटा, इस नंबर का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको सपोज कर लो, ये किसके इक्वल है, x इक्वल आप लिखेंगे 3.7777, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, केवल 7 का ही रिपीट हो रहा है, इसीलिए केवल 7 को बार बार रिपीट किया है। अगर दोनों का रिपीटेश होता तो यहाँ पे हम लोग दोनों पे बार लिखते, लेकिन दोनों पे नहीं है, 7 पे है, इसीलिए 7 का। इसको सपोज कर लो, ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बेटा आपको क्या करना है, इसमें बार कितने नंबर पे है, ये कितने नंबर पे बार है, 1 नंबर पे, ठीक है। जितने नंबर पे बार होगा बेटा, उतने नंबर्स के साथ इसको क्या कर देंगे, उतने नंबर्स की 10 की डिजिट्स, 0 के साथ, यानी इसका
टेन के साथ इंटू करेंगे। आप लिखोगे बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई टेन, ठीक है। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, टेन से, ठीक है। तो टेन से जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन एक्स, टेन एक्स इक्वल टू, देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेन इंटू 3.777, ये डैश डैश डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन एक्स इक्वल टू, ये 10, ये डेसिमल 10, ये डेसिमल कैंसिल कर देगा, कैसे पता है ना, इंटू करेंगे तो ये वन डिजिट क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो 3.777 ये भी इंक्रीज होता रहेगा। इसको सपोज कर लो ये क्या है, इक्वेशन नंबर टू, क्या है बच्चों, इक्वेशन नंबर टू है ये, ठीक। अब आपने क्या देखा कि आपके पास दो इक्वेशन है, इसको देखो, ये है 10x और ये है x, तो दोनों में ग्रेटर कौन हुआ, 10x या x, कौन ग्रेटर है, 10x, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो आप क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में से बेटा इक्वेशन वन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करो, 10x इक्वल टू 3.777 डैश डैश डैश, और यहाँ पे लिखो x इक्वल टू, एक मिनट बेटा, यहाँ मैंने रॉन्ग कर दिया, यहाँ पे हम जब इंटू करेंगे 3.7 के साथ तो ये डेसिमल हट जाएगा ना, 3. क्या हो जाएगा, 37, ठीक। तो 10x इक्वल टू 37.777, यहाँ पे आपका पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3.77 डैश डैश डैश, ठीक। यहाँ पे डैश डैश इसलिए करें क्योंकि इधर भी 7 इंक्रीज हो रहा है, इधर भी इंक्रीज हो रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, सब्ट्रैक्ट करो अब, ये हो गया माइनस, 9x में 1x लेस होगा तो, सॉरी 10x में 1x लेस होगा तो 9x, 9x इज इक्वल टू 7 में 3 लेस किया तो 4, यहाँ पे 3.00, ये हो गया डैश डैश, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 34/9, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, समझ आया बच्चों, ठीक है। अब एक और मेथड है बेटा, अगर आपके पास यही सेम नंबर हो कोई भी, मैंने आपको ट्रिक से बताया था पिछले साल, मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था, किसी को याद होगा, बस है बच्चों को इसका ट्रिक बहुत ईजी भी लगा था, जैसे आपके पास है 0.5 बार, तो इसका आंसर आप तुरंत बता देंगे, जानते हैं ना इसका आंसर क्या होगा, 5/9, 0.7 बार इसका आंसर क्या होगा, 7/9, 0.8 बार इसका आंसर क्या होगा, 8/9, क्यों ऐसा होता है, 9 क्यों आता है, क्योंकि हर बार ये 10 और 1 क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, हर बार ये 10 और 1 माइनस हो जाएगा, ये 9 हर बार अपॉन में आएगा, ठीक। अब देखो बेटा ये तो प्योर है, ये सारे 0.5, 0.7, 0.8 ये क्या है, प्योर रिकरिंग है, प्योर रिकरिंग मतलब केवल एक ही नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन जब मिक्स रिकरिंग आता है, जैसे यहाँ पे था 3.7 बार, जब मिक्स रिकरिंग आता है तो आप क्या करते हैं, इस पूरे नंबर में से जिस नंबर पे बार लगा हुआ होता है, उस पूरे नंबर में से जिस नंबर पे बार लगा हुआ होता है उसको छोड़कर, जितने पे बार लगा होगा उतने को छोड़कर, जितने पे बार नहीं लगा होगा उसमें से उसको क्या कर देंगे, जो बार नहीं लगा होगा उस नंबर को क्या करेंगे, माइनस, 37 में हम माइनस करेंगे किसको, 3 को, तो आया क्या, 34, कितने नंबर पे बार है, 1, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया ट्रिक से, ठीक है, तो ये आपका ट्रिकी मैथ, दोनों से आपको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। तो बेटा आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 9th ऑफ 10th नंबर, ठीक। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, ये समझ में आया था ना बच्चों आपको, क्या करना था, पहले एक्स इज इक्वल टू पूरा एक्सपेंड करना था, जितने नंबर पे बार है उतने ही टेंस के साथ यहाँ पे इंटू कर देंगे, एक ही नंबर पे था इसलिए टेंस से इंटू किया था, ठीक है। फिर दो इक्वेशन बनती है, बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस करना था, ठीक। आप वीडियो बैक करके देखो, जब आपने माइनस किया होगा तो यहाँ पे राइट साइड आया होगा 9x इज इक्वल टू 37.777 और 3.777, 37 में 3 लेस किया तो क्या आ गया, 34, ठीक है। समझ में नहीं आया तो फिर आप पूछ लेना,
और आ गया तो फिर वेल डन। ठीक, अब देखो बेटा, जैसे आपका 10th नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है 8.9505 और इस पे क्या है बार। 505 पे क्या है बच्चों? बार। तो आप लोग, मैंने क्या बताया था, पूरे नंबर में से, इस पूरे नंबर में से हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट 89505 को, जो बचा हुआ नंबर है जिस पे बार नहीं है। किस पे नहीं है? 89 पे बार नहीं है, इसको क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। तो हो जाएगा 15 में 9 जाएगा, आपका कितना आएगा, 15 में 9 लिया तो 6, यहाँ पे 9 में 8 लेस हुआ 1। ठीक, फिर यहाँ बचा 4 और 9 और 8। ठीक है, तो आपका ये आ गया इक्वल टू, आप राइट करेंगे पूरे में से माइनस करने पे, पूरे में से जो रिमेन नंबर है उसको माइनस कर देंगे 89416। अब यहाँ पे देखो बार कितने नंबर पे राइट है, 3 नंबर पे। कितने नंबर पे राइट है? 3 नंबर पे। तो यहाँ पे आप कितना 9 लिखेंगे, 39 लिखेंगे। ठीक है, और पॉइंट के बाद बेटा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। क्या आपको यहाँ पे 4 डिजिट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर लो, 1 0 ऐड कर लो। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसका ट्रिक बहुत इजी है। ठीक है बेटा, ट्रिक से क्या करना है, फिर से इसका ट्रिक नोट कर लेना, होल नंबर माइनस विदाउट बार नंबर। ठीक है, ये आपको क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर पता है ना, डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना होना चाहिए पूरा नीचे, और 3 नंबर पे बार है, जितने नंबर पे बार, जैसे 1 नंबर पे बार होता केवल 5 पे बार होता, तो यहाँ पे क्या आता केवल 9। 3 पे बार है इसलिए कितना आ गया, 39 आ गया। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 और 7 और 8 आप इसको सॉल्व करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छे से होमवर्क कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू। माय कोड इज MPH मैथ्स 20।